नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 10 माह से भी ज्यादा समय से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में एक बार फिर बादली हलके के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने हरियाणा और केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। झज्जर में अपने कार्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए डॉक्टर कुलदीप वत्स ने कहा कि किसान काले कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरना प्रदर्शन पिछले 10 माह से कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की हिटलर शाही मोदी सरकार ने किसानों को अपनी दमनकारी नीतियों से केवल कुचलने का प्रयास किया है। सरकार किसानों पर दिल्ली बॉर्डर के रास्ते बंद करने का आरोप लगा रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि सरकार ने बैरिकेड लगाकर और किले गढ़वाकर सभी बॉर्डर सील करवा दिए और इसका आरोप किसानों पर लगाया। सरकार का दमनकारी चक्र यहीं पर नहीं रुका। सरकार के इशारे पर किसानों को कुचला गया, जो कि एक तरह से निंदनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता बार बार कांग्रेस के 70 साल का रोना रो रहे हैं, जबकि 7 साल में ही पूरे देश की जनता को सरकार ने मायूस किया है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से पहले भाजपा नेता अपने 7 साल के 7 काम गिनवाए। 7 साल में सरकार ने भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी, पेपर लीक और खाद की कालाबाजारी में प्रदेश को नंबर 1 पर बना दिया है। झज्जर से हमारे संवाददाता विकास औलियान की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उन सभी किसान परिवार की जो आज हमारी माताएं बहनें जो भी एक्सपायर हुई, मैं अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और बहुत दिल को दुख है, पिछले एक साल के समय हरियाणा के अंदर और पंजाब, पूरे देश में, चाहे वो लखीमपुर की घटना थी, चाहे वो आज की घटना थी, चाहे और घटना थी, किसानों को कुचला जा रहा है। आज मेरे हिसाब से हजारों, 1000-1200 किसान भाइयों की शहादत शहीद इस आंदोलन में हो चुके हैं। और इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री एक शब्द तक बोलने के लिए उनके लिए नहीं है। मैं, कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण रूप से किसान भाइयों के साथ खड़े हैं, पूरा समर्थन कर रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी ने, हमने पहले ही इस हमारा समर्थन है। पर बड़ा दुख होता है कि किसानों के साथ इतनी बड़ी जाति हुई है। और मैं इस देश के प्रधानमंत्री जो हिटलर शाही कर रहे हैं, और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो खुद ये चाहते हैं कि किसानों को कुचला जाए, किसानों से बात नहीं की जाए, आज वो तड़फ रहा है। उनके बेटे सीमा पे शहीद हो रहे हैं, वो खेत में शहीद हो रहा है, पर उनकी बात को नहीं सुना जा रहा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, इस प्रधानमंत्री जी ने जो एक अहंकार के घोड़े पर सवार है, इन्होंने उस अहंकार को छोड़ के किसान भाइयों को न्योता देना चाहिए, बुलाना चाहिए, और इस तीनों काले कानूनों को, जब किसान नहीं चाहते तो उसको वापस लेना चाहिए। मैं, मतलब हमारा स्टैंड क्लियर ये है कि हम किसान भाई के साथ खड़े हैं। और वास्तव में आज इतना बड़ा दर्द हुआ, जिसके परिवार से तीन तीन लोग चले जाते हैं, तीन सीरियस से, बड़ा दुख का अजीब विषय है। और हम इस दुख की घड़ी में, को राजनीति का विषय नहीं, पर इस से हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रधानमंत्री जी से, इसको इस को जल्दी से जल्दी इनकी मांग को मान के इसको समाप्त कराएं, और प्रधानमंत्री अपनी इस अटकर्मी को छोड़ के किसानों की तरफ ध्यान दें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।